कृषि कानूनों को लेकर किसानों का और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में आज प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह ट्रैक्टर रैली में शामिल होने बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया। दोनों नेता बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। बालाघाट के योगदान से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। हमारी सरकार वोटों से बनी थी, नोटों से नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार को हम वापस लाएंगे। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा शिवराज सिंह जी ने, एक ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर वन नहीं थी, कृषि क्षेत्र की चुनौती जहां 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर, जिसकी किराने की दुकान गांव में है। वो किराने की दुकान तो तभी चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो। ये बालाघाट नहीं है, कोई नागपुर से नहीं आता। जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। जब किसान की जेब में पैसा हो कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आए, ये चुनौती थी। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ की। किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। आवश्यकता इस बात की है और मैं आपसे कहता हूं कि उस जमाने में हम देखते थे, एक तरफ मोतीलाल जी जैन हुआ करते थे, राणा हनुमान सिंह जी हुआ करते थे, तेजलाल टेम्परे हुआ करते थे, नंदू भाई हुआ करते थे, शंकरलाल तिवारी जी हुआ करते थे, ये सब लोग मिलकर समन्वय से रास्ता निकालते थे। और यही बालाघाट का जो संगठन का मॉडल यदि हम लागू कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हीना ने कहा है 2023 में सरकार कांग्रेस की बनके रहेगी। आज जब वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।